हट, चुप हो जाओ। ये क्या है, हर बार डांस पे एंट्री। जब से ये डांस रियलिटी शो कर लिया है, इतना तो वहां पे भी नहीं नाची होंगी जितना यहाँ पे नचा रहे हैं। अब तो मैंने डांस स्कूल खोल लिया है, अब तो और नाचना पड़ेगा। I am a disco dancer, जिंदगी मेरा गाना, मैं हूँ किसी का दीवाना। ओए झूमो और नाचो, ओए बंद करो, आगे नहीं आता। दारा सिंह जी, पैरी पिन्ने, आप कॉमेडी सर्कस में पहली बार आए हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपके लिए फूल लेके आया हूं, ये देखो। सॉरी सर, जल्दी जल्दी मैं फूल लाना भूल गया, लेकिन मैं आपका इतना फैन हूं ना, खड़े खड़े यहां पे फूल उगा सकता हूं मैं। ओम जीम क्लीम दारा सिंह दी जय। ये लो। मेरा भी दिमाग खराब है, पहलवान आदमी को लाल फूल दे रहा हूँ, सॉरी सर, लेकिन मैं आपके लिए इधर खड़े खड़े लाल फूल का रंग बदल सकता हूँ, ये देखिए। ओए, ये तो वही है ना बिंदु, जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने भी काम किया बिग बॉस में। सर जी, मैं बड़ा फैन हूँ आपका, मतलब आपका तो जीतना बनता था, क्योंकि आपके तो नाम के आगे विन लगा हुआ है। मैं आपका इतना फैन हूँ ना, मुझे पता है आप पहलवान आदमी हो, खाने पीने के बड़े शौकीन हो। आपको पता है मैं ये बैग भर के आपके लिए फ्रूट का लेके आया था, लेकिन ये बैग मेरा इतना मनहूस है ना, ये वाला बैग, इसमें जितना मर्जी कुछ डाल दो पता नहीं खुद ही खाकू जाता है। पता नहीं, अब इतना फ्रूट मैं लेके आया था ना आपके लिए, ये देखो सारा बैग खाली, ये एक सेब है ना, ये एक केला, ये तो कुछ भी नहीं। सर मैं आपके लिए 12 दर्जन केले और 3 किलो सेब लेके आया था, लेकिन ये बैग है ही ऐसा, कुछ भी डाल दो खा ही जाता है, ये देख लो। वैसे बिंदु जी एक बात बताएं मुझे, ये जो एक शो में आप डांस शो में जज बने थे ना, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपको जज ले लिया तो सरोज खान को क्यों लिया था। बे उल्टी बात करता है बेवकूफ। तू बेवकूफ है पागल, जो सामने बैठा देख रहा है उसको मक्खन लगाया कि उसको जो घर पे बैठी देख रही है। ये बकवास बंद करो, पता कौन है बे तू? कौन है? मेरे को नहीं जानती दारा जी। पहचाना मुझे? मैं गोपी चंद, ज्ञान चंद हलवाई का बेटा, आपको याद है? देखा हमारी दुकान में से लस्सी पी पी के पहलवान बने। इन्होंने लस्सी पी, तूने क्यों नहीं पी? सारी लस्सी वो पी गए, मैं कहां से पीता? ये जब भी अमृतसर आते थे भैंसे हड़ताल कर देती थी, कहती दारा सिंह आए हमने दूध नहीं देना, हम 1.5 लीटर देती 2 किलो पी जाते हैं। तो भैंस को ऐसे उठा सारा दूध पी जाते थे। अब क्यों आए यहाँ पे ये बता। मैंने सुना है यहाँ पे कोई डांस सिखाता है। हाँ जी मैं सिखाती हूँ डांस। आप सिखाते हो डांस? क्या बात है, फिर सही मिला हूँ आपसे, ऐसा डांस सीखूंगा आपसे, आपकी लाइफ बना के रख दूंगा मैं। डांस सीखेगा तू, लाइफ बनेगी मेरी? मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेहनत मैं करता मर जाता हूँ, पार्टनर मेरी स्टार बन जाती है। डांस वांस के बारे में मालूम है कि नहीं? डांस वांस के बारे में, अरे जा, डांस तो मेरी रग रग में भरा पड़ा, ये देख। तुम्हें पता है मेरे पिताजी बहुत बड़े डांसर थे? अच्छा कौन से वाले? तेरे थप्पड़ मारना खींच के, कौन से वाले? अरे मेरे बाप की क्या ब्रांचे खोल के रखी है, गरीब आदमी मुश्किल से एक बाप अफोर्ड कर पाता, क्यों जी? ये बेवकूफ, मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा वाला डांस सीखते थे, कौन सा वाला डांस? अच्छा कौन सा वाला डांस? वो करते थे गणपति पे। पता कैसे? आए वाला डांस करते थे, आए ये वाला डांस करते थे। मेरे पिताजी इतना डांस करते थे गणपति पे, एक बार तो गणपति जी ने उठ के कह दिया इसको ज्यादा जल्दी पहले इसका विसर्जन करो। फिर क्या हुआ? फिर क्या, तू मेरे बाप का विसर्जन करा के छोड़ेगी? ये ले कर दिया विसर्जन बाप का, चल ये ले। हाँ अब बता। ओफो, अच्छा ये सब बात छोड़ो, डांस की बातें करते हैं। साली अभी अभी बाप का विसर्जन किया, तुझे डांस की बड़ी मारूंगा थप्पड़ तेरे, पहले निकलने तो दे थोड़ा सा। चलो चलो चलो। चलो 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 खड्डा आ गया। ये तेरे तो यहाँ पे कैसे खड्डा आ गया? खड्डा गया, समंदर के किनारे खड़ा हूँ, रेत गीली है, पैर घुस गया, आ गया खड्डा। और वैसे भी खड्डे का क्या है,
क्यों शेखर जी? आदमी के दिल में महल होनी चाहिए, खड्डा तो किधर भी बन जाता है। कौन कौन सा डांस सिखा लेती हो? जी मुझे सारे टाइप के डांस आते हैं, बैले, सालसा, सांबा, रुम्बा, सब आते हैं। बोलो कौन सा? सांबा रुम्बा, मेरी बात सुनो। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मुझे कोई वेज डांस सिखाओ बिना प्याज के। वेज डांस, ये डांस के नाम ही तो है। डांस के नाम है? हाँ। चलो 2 महीने लुधियाने के चला गया, कैसे कैसे डांस पैदा हो गए हैं। इससे तुम्हारे लुधियाना जाने का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है मैडम, आपको पता मैं 2-2.5 साल के लिए बठिंडा का चलाया, घर आया तो मेरे 2 बेटे पैदा हो गए। इसमें भी तुम्हारा बठिंडा जाने का कोई कनेक्शन नहीं है, तुम्हारी वाइफ का किसी के साथ कनेक्शन जरूर है। चलो मैडम छोड़ो, क्या लेने देना, बच्चे दोनों खूबसूरत हैं और एक बाप को और क्या चाहिए। डांस की बात करो आप। कितनी फीस लेती हो? जी 3,000 रुपया महीना एक स्टाइल का। 3,000 रुपया? मैडम आप पता क्या टेंशन है, आप पैसे की चिंता मत करो, 3,000 रुपया ना। हाँ 3,000 तो है नहीं मेरे पास। आप मेरे को डांडिया सिखा दो, मेरी इतनी प्रॉब्लम, मेरे को डांडिया ढंग से आता नहीं शेखर जी। कल मैं डांडिया में नाच रहा था अपनी बीवी के साथ और डंडा मेरी बगल में से यूं निकल के मेरी बीवी की नाक में घुस गया। मेरा तलाक होते होते बच्चा पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मेरी बीवी मेरे पे भड़क गई, बोलती मेरी नाक में डंडा दे दिया। मैंने कहा बात सुन, 16 साल से नाक में नथनी पहन के घूम रही, पति के लिए 2 दिन डंडा नहीं डाल सकती? एक्चुअली उसे मेरे पे कम गुस्सा था, वो साला गुप्ता नहीं मेरा पड़ोसी, उस पे ज्यादा गुस्सा है। अब मेरी बीवी की नाक में डंडा गुस्सा हुआ, उसी पे मार मार के डांडिया खेल रहा है। इतना डांडिया खेला है, उसका ये बायां वाला छेद इतना खुला हो गया ना, उसमें आप नैनो कार खड़ी कर सकते हो। मतलब नैनो कार तो खड़ी कर ही सकते हो, साथ में थोड़ा सा टेंडा करके हीरो होंडा भी लग जाता है, ऐसा हुआ था। आपको पता जब मेरी कमर जो थी ना 2.5 इंच, तो मैंने अपनी नाभि के आले दुआले ना जेनिफर लोपेज का टैटू बनवाया था। और बाद में मैंने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, मेरा पेट बड़ा हो गया, जेनिफर लोपेज खिंच के जाके गुड्डी मरुती जैसी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई डांस सिखाओ, मेरी फैट कम हो, जेनिफर लोपेज दोबारा जेनिफर लोपेज बने। तुम्हारे लिए परफेक्ट परफेक्ट बेली डांसिंग क्यों नहीं सीखते तुम? बेली डांस? हाँ ये ठीक है। चलो सीधे खड़े हो जाओ, सीधे, ओके। सांस अंदर खींचो, एक ठुमका मारो और सांस छोड़ो। सांस नहीं छोड़नी, मैंने तेरे कान पे छोड़ना है। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, दोनों स्टेप बाबा रामदेव के। कपाल बाती में हर बार बोलते हैं सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, बीच में अपना एक छोटा सा ठुमका घुसा दिया, 3,000 रुपए। थप्पड़ मारूंगा तेरे में खींच के, निकल जाए ऐसे। 3,000 रुपया शेखर जी। मैं तो कह रही छोड़ो जजगिरी, चलो कहीं भाग चलते हैं। कब तक छुपाते फिरेंगे अब अपने प्यार को इस दुनिया से? ओह माय गॉड, आपको लगा मैंने बोला? अनीता कह रही थी कल, कह रही थी एंकरिंग वैंकरिंग तो हो नहीं रही है, किसी फेमस बंदे को ही पकड़ लो। आवारा हूँ आपका झोंका, आज निकला हूँ बंदू बन के लिए। हाय शेखर। Hi. कैसे हो, ठीक तो ना? बताओ कौन पूछ रहे जो खुद ही ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं हुआ? सिम में नेटवर्क नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी ना मोबाइल में प्रॉब्लम है। ठंडी हवा के झोंके। आया क्यों है यहाँ पे पहले ये बता। डांस सीखने आया हूँ, मेरे को किसी ने बताया तो डांस सिखाते हैं। जी मैं सिखाती हूँ डांस। वाओ, आप डांस तो मेरे को सिखा दो, लेकिन ना जल्दबाजी में मेरे साथ कोई गलत स्टेप मत उठा लेना। ओके तेरे को ना कान के नीचे दूंगी मैं, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे को मैं। अच्छा जानती हूँ तो एक हाथ से मिलवाओ ना फिर। तो मेरे को ये बताओ पैसे कितने लेती हो डांस के? 3,000 रुपए महीना। 3,000 रुपया लड़की को दू? ओके सिखाओ। अभी हम इस गाने पे डांस करेंगे। कौन सा वाला? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक्सक्यूज मी, ये गाने पे डांस मत सिखाओ, इसका पता करो मैं हूँ क्यों ऐसा। अच्छा तू ये सब छोड़, तू लावनी सीख ले। क्या है इसको सिखाओ, क्या है? अच्छा देखो ये लेफ्ट वाला हाथ इधर रखो,
और ये राइट वाला हाथ सीधा नीचे। सीधा नहीं पता मेरे को, रखूंगी लेकिन। अच्छा पैर जोड़ो। पैर तो हमेशा जुड़े रहते हैं। और फिर इस तरह वैसे ऐसे करो। एक सेकंड बंद कर इसको। ये क्या है? एक हाथ इधर एक हाथ इधर। जब भगवान ने दोनों हाथ साथ में बनाए, साथ में क्यों नहीं रखती उनको? सारी गर्मी निकाल दूंगी सॉफ्टी की बच्ची। ए! तेरे से मेरे को सीखना नहीं डांस। बड़ी आई चिचोरी कहीं की चोरी करके डांस कर, जल्दी जा यहाँ से। जा जा, तेरे जैसे को सिखाना भी नहीं। अरे किधर जा रहा है, एंड तो करना है। ब्रिटानिया 50-50 आ जा। मेरे को पता था एंड के लिए तू मुझे बुलाएगी। साली सब कुछ पता था मेरे को, एंड के लिए तू बुलाएगी, तेरे से एंड नहीं हो पाएगा। और बात सुन, कोई माँ के पेट से 50-50 बनकर नहीं आता है। दोनों जजों को खुश करने के लिए आया था मैं। एक को लड़का पसंद है, एक को लड़की पसंद है, दोनों को खुश करने के लिए बीच वाला बन के आया मैं। और मेरी बात सुन ले, अब मेरे को पता तू एंड नहीं कर पाएगी अकेली, और मुझे पता था तू मुझे बुलाएगी। ऐसा एंड करके जाऊंगा किसी के बाप ने नहीं किया होगा। ये लो कर दिया एंड मैंने। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.